जो लोग कहते थे आपने ये क्या बना दिया है तो उसका फायदा क्या है। अभी फायदा मैं आपको दिखाऊं, ये फायदा है भाई, ये देखे तरतीब के साथ बिल्कुल खा रही हैं। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, कोई मसले मसाइल वाली बात ही नहीं है, आराम से खा रही है। ये हमारी खुराक वाली थी, ये पानी वाली थी। पानी वाली और खुराक वाली मैंने इकट्ठी कर दिया ताकि ये ज्यादा थी और ये एक पर इनको सही तरह खाना नहीं मिल रहा था। आप देख लें, ये भी देख लें, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये भी इसी तरह अभी इन्होंने फिनिश कर दिया। इनके लिए हमने नहीं बनाया अभी, ठीक है, ये अभी छोटी है, इनको मिक्स कर देंगे, ये इनका अभी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इन मुर्गियों का मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, ये देख ले, ये इजीली यहाँ से ना ये खाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देख ले, अभी मैं इनको डालता हूँ खाना दोबारा। यहाँ पे इस तरह, तो ये इस तरह इजीली आराम से ये ना एक तरतीब के साथ ये खाती है। यहाँ से अब आपको अच्छा लग रहा होगा नज़ारा सारा, ये देख ले, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये खा रही है। तो भाई यही सीन होता है ताकि इनको खाना वगैरह अच्छा दिया जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ना एक और चीज़ दिखा लूँ, बड़ी मज़े की है। यहाँ पे देखिए जी, हमने यहाँ पे माशाल्लाह आपको ये दिखाया था, तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है, 10-1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, तब ये कितना था। और ये धनिया पुदीना नहीं है, पुदीना हमने बाद में लगाया, वो भी दिखाता हूँ। ये धनिया देख लें, जो लोग कहते थे ये पुदीना है, वो पुदीना नहीं है, ये पुदीने की हमने लगाई थी शाखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी हैं। यहाँ से देख लो, इन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, ये भी ग्रोथ में था, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये ग्रोथ में था, पता नहीं इसको हुआ क्या है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। और ये भी इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ये बताऊँ के पौधे लगाए थे, वो बिल्कुल अभी सूंघे पड़े हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने और भी लगाए थे, एक ये रहा, इसके अलावा यहाँ पे भी थे। और इसके अंदर यहाँ पे देख ले, हरवान जो होते हैं ना, हरवान उनके यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से भी वो हो रहे हैं। और यहाँ पर भी हरवान के भी लगाए थे, और भी एक दो चीज़ और थे, वो मुझे याद नहीं है, वो भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये जैसे ही बड़े होंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देख ले माशाल्लाह, जहाँ जहाँ पे लगाए थे वहाँ वहाँ से हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त क्यारी हमारी बनी हुई है। यहाँ पर देख ले पुदीना माशाल्लाह अच्छा हो चुका है। यहाँ पे देख ले 5-5 इंच का, 5 इंच से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख लें कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है, 5 इंच से ज़्यादा है ये, 3 इंच तो यही है, 4 इंच का लगा लें, चले 5 इंच का ना लगाएं, दरमियान में ये 5-5 इंच का भी है, तो यहाँ पे है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 और थे, इनको बारी बारी उतारता हूँ नीचे, फर्स्ट ये, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं सेकंड ये, थर्ड ये। अब यहाँ पे देख लें, अच्छा जी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे पालक लगाई थी, अभी मुझे इनको देख के याद आया है, ठीक है, इनके यहाँ बीज वगैरह। यहाँ पे आप देख लें कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, जो हरवा है वो यहाँ उन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है, ठीक है। और यहाँ से पालक है वो भी आस्ता आस्ता निकलना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख ले, ये इनके बीज थे और मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी आई थिंक, लेकिन ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, नीचे से इसमें पानी और डालेंगे ये नरम हो जाएगी, तो यहाँ से ये निकलना और भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको दिखा, इसको उठाते हैं, ये क्या है, यहाँ पे मैं आना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख ले माशाल्लाह, इसके अंदर भी हमने ये हमारी मिर्चें हैं, मिर्ची के पौधे माशाल्लाह, ये भी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। और यहाँ पे दो, एक ये, एक बताऊँगा ये, एक बताऊँगा ये माशाल्लाह दोनों जड़ गए हैं, ये अभी बड़े हो जाएंगे। इसका अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से इसने भी अपने पत्ते निकाल दिए हैं, ये भी जड़ गया है, ठीक है, सारे जड़ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ से। और ये हम इनको उतार देते हैं, इनके जो ये टूटे हुए नीचे वाले हैं इनको यहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन ये खाद का काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ना वो, ये सॉरी ऑक्सीजन वगैरह, ये फिर अच्छी तरह ये करेंगे खाद। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 ये रहा सातवां, ठीक है। माशाल्लाह सात के साथ यहाँ पे अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर मैं गौर से आपको दिखाऊँ, अगर वो नज़र आ रहे हो ये रेड रेड से, ये हमारी पालक है। माशाल्लाह पालक भी हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिर्ची के पौधे भी हैं और यहाँ पे दूसरे पौधे भी हैं। इनको मैं यहाँ से उतार दूँ, ये है मिर्ची का पौधा, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह इनको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे बताना यार इस तरह करना भी चाहिए या नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। अब यहाँ पे मेरे पास कितने हैं मिर्ची के पौधे, यहाँ पे एक। अच्छा इसमें मैं सबसे पहले बताऊँ कि ये देखो ये वाला बीज होता है जी आपकी पालक का, लेकिन ये अभी नहीं हुआ, इसमें पानी वगैरह डालते हैं, ये ऊपर ऊपर रह चुका है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक एक ये दो। अच्छा ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बहुत ही यार वो होती है। अब यहाँ पे देख ले ये पौधा अभी यहाँ से निकला हुआ, नीचे से सूखा हुआ, उम्मीद है ये हरा भरा हो जाएगा। इसके साथ भी यही सीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी ये तो अच्छा ये भी मतलब सारे हो जाएंगे। मिर्ची के हमारे पास पौधे हैं एक, एक ये लगा हुआ नीचे, दो ये नीचे लगा हुआ यहाँ पे, और एक ये रहा तीन, ये तीन है। बाकी ये सारे हमारे पास, एक ये मिर्ची का लेकिन ये सोया पड़ा है, ये सारे बाकी हमारे पास बताऊँ तो इंशाल्लाह जैसे ही बड़े होंगे लगेंगे ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मुझे बता देना कि ये पौधे इनके साथ जो सूखा हुआ है ये उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और बोता बोता हमारे लिए दुआ कीजिएगा, जिसे कहते हैं ना ज़्यादा ज़्यादा वो। तो अस्सलामु अलैकुम।